गोलू के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बासुंदी। बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक हैवी बॉटम कढ़ाई ली है और इसमें डाला है 2 लीटर मिल्क। दूध को उबालने से पहले हम इसके लिए एक मिक्सचर बनाएंगे। इसके लिए हम 1 कप दूध लेंगे और इसमें डालेंगे 6 से 8 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर के। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बासुंदी बनाते समय मिल्क पाउडर ऐड करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपका जो दूध है वो जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। बासुंदी को अगर आप 2 लीटर दूध में से बना रहे हैं और आपने मिल्क पाउडर डाला है तो आपकी बासुंदी जो है वो 20 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाएगी और वो भी एकदम गाढ़ी। बनाए गए मिल्क पाउडर के मिक्सचर को हम डालेंगे दूध में। ये मिक्सचर डालते समय दूध जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब हम इसे दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 5 से 6 मिनट उबालेंगे और गैस की आंच को बिल्कुल तेज रखेंगे। दूध को 5 से 6 मिनट उबालने के बाद हम इसमें डालेंगे कटे हुए बादाम और पिस्ता। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डालें। चीनी डालने के बाद हम इसे 5 से 6 मिनट उबालेंगे। 5 से 6 मिनट उबालने के बाद हमारा जो दूध है वो गाढ़ा हो गया है, लेकिन हम इसे और 5 से 6 मिनट उबालेंगे। अगर आप चाहें तो इस वक्त इसमें केसर भी डाल सकते हैं या फिर कोई फूड कलर जो आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। 5 से 6 मिनट इसे उबालने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे, क्योंकि दूध जब ठंडा होगा तो और ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो बनकर तैयार है टेस्टी एंड यम्मी बासुंदी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।